हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। तो कैसा लग रहा है मेरा आज का मेकअप लुक? उससे पहले आप लोग एक कर लीजिएगा काम, मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और बगल में बेल घंटी होगी तो उसको भी हिट कर दीजिएगा। और ये है मेरा आज का मेकअप लुक, पूरे व्हाइट साड़ी में मैंने मेकअप किया है, आप देख सकते हैं। और आपको किसी भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिएगा तो ज़रूर कमेंट डाउन करके बताइएगा। चूड़ा से लेके इयररिंग और जितने भी मैंने मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सबका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी अगर आपको नीड होगी तो। और कैसा लग रहा है मेरा मेकअप लुक ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन तो प्लीज़ कमेंट में करिएगा, मैं ज़रूर से आप लोग का डिमांड पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मेकअप देख लेते हैं मैंने कैसे किया। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये हिमालया का वेट वाइप्स, जिससे कि मैं अपने फेस को कर लूँगी अच्छे से क्लीन। देन उसके बाद मैंने ये ले लिया है गुड वाइब्स का कुकुम्बर टोनर, जो कि ऑयली फेस वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। मेरा ऑयली फेस है तो इसलिए मैं उसको यूज़ करती हूँ। उसके बाद आज मैंने यूज़ किया है एलोवेरा, और बहुत सही होता है एलोवेरा यूज़ करना। इसको आप अपने लिप और आई के ऊपर लगा सकती है, जिससे कि अच्छा मॉइस्चराइज़र तो ये काम करेगा, प्लस ये प्राइमर का भी वर्क बहुत अच्छे से करेगा। उसके बाद जब मॉइस्चराइज़र एलोवेरा लगाने के बाद उसके थोड़ी देर बाद आपको लगाना है प्राइमर। तो प्राइमर मैंने ले लिया है पर्पल का, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइमर है। उसके बाद मैंने ले लिया है ये मेबलिन का कंसीलर। तो जहाँ जहाँ मुझे कंसील करना है मैं अच्छे से कंसील कर लूँगी, जहाँ जहाँ आपको दाग धब्बे या फिर डार्क स्पॉट हैं अंडर आई के ऊपर। इसलिए मैंने किया क्योंकि मुझे आई मेकअप करना है, तो आई मेकअप अगर कंसील कर देंगे तो अच्छे से उभर के आएगा। देन उसके बाद मैंने यूज़ किया ये स्टेक वर्की का फाउंडेशन, अभी देख सकते हैं ये नया फाउंडेशन मैंने मंगाया, अभी जस्ट मैंने इसकी पैकेजिंग खोली है आप देख सकते हैं। और मेरे शेड से एक शेड लाइट है और बहुत ही सही है। मतलब आप भी जब भी लो ना तो या अपने इस शेड से एक शेड लाइट ले लो, क्योंकि जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रख। थोड़ा सा लाइट लग रहा है ना, बट जब मैं मेकअप कर लूँगी तो बहुत अच्छे से मेरे फेस के साथ मैच कर जाएगा। और ये फाउंडेशन अच्छा था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ठीक ठाक अच्छा था, आप ले सकते हो बिना किसी झिझक के साथ। इस वीडियो में मैं बहुत सारे नए प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, तो आपका रिव्यू भी मैं उसके साथ इसी वीडियो में दे दूँगी कि प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं। कुछ प्रोडक्ट मुझे पसंद आए कुछ नहीं तो मैं आपको बता दूँगी, तो आप मत लीजिएगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देन उसके बाद ये एसक्यू कर लूँ पाउडर, तो मैं अच्छे से अपने फाउंडेशन को कर लूँगी सेट, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके अब मैंने ले लिया है ये है शुगर का काजल, जो कि मुझे पर्पल ने फ्री में गिफ्ट दिया था, तो मैं इसको एज ए लाइनर आप देख सकते हैं ड्रॉ कर लूँगी। और उसके बाद मैंने ये रियल टेक्निक का ले लिया है ब्रश, फ्लफी ब्रश है, और इससे मैं अपने काजल को ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि थोड़ा लाइट कलर हो चुका है। उसके बाद अब मैंने अच्छे से ब्लेंड करने के बाद देन मैंने कलर बार का ये लिया है काजल, और उससे मैं अपने क्रीज तक आप देख सकते हैं लगा ली हूँ, मीन्स जहाँ तक आपकी आँखें ऐसे खुलती हैं तो वहाँ तक मैंने इसको अच्छे से लगा लिया आप देख सकते हैं। उसके बाद उसके पीछे स्मजर था, तो मैं स्मजर की हेल्प से थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड कर लूँगी। देन उसके बाद फिर मैंने ये रियल टेक्निक का लिया है ब्रश, उससे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि पूरा इवन हो जाए, कहीं पर खाली ना दिखे और क्रीज ना रहे। उसके बाद देन मैंने ये ले लिया ब्यूटी ग्लेजर का आई शेड, इसमें से मैं ब्राउन और ब्लैक दोनों शेड लेके मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि हार्श लाइन ना दिखे, क्रीज ना दिखे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैंने ये ब्राउन शेड लेके फिर से मैं अपने आई के लोअर लाइन पे लगा लूँगी ताकि मेरी आँखें थोड़ी बोल्ड दिखे। उसके बाद ये मैंने ले लिया वेट एंड वाइल्ड का ब्रो पेंसिल है, और इसके पीछे स्पूली था, मुझे स्पूली की बहुत ज़्यादा नीड थी तो इसलिए मैंने इसको ख़रीद लिया। और मेरा जो एक्सपीरियंस था इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये लगता नहीं है सबसे बड़ी बात कि अच्छे से लगता नहीं, जो मुझे कलर चाहिए रहता है वो आता नहीं और बहुत इसको रगड़ना पड़ता है कि ये क्रीम जैसा रहता है बट ये जल्दी लगता नहीं। इससे अच्छा मुझे वेट एंड वाइल्ड का जो आता है पैलेट 3 वो बेस्ट है, आप उसको ले सकते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ही ख़राब रहा। स्पूली है तो चलो यूज़ हो जाएगा, बट मुझे वो बहुत मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप लोग ले लीजिएगा। देन उसके बाद ये मैंने मेबलिन का ले लिया है आईलाइनर जेल, उसके हेल्प से मैं लगा लूँगी काजल। और सच्ची बताऊँ आप भी ज़रूर कभी ट्राई करिएगा जेल के साथ, आईलाइनर जेल के साथ काजल लगाने का, बहुत ही ईजली लग भी जाता है और सबसे अच्छा कि ये लुक बहुत अच्छा देता है और स्मज तो नहीं होता है, बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं
मेरा मेकअप हो चुका है आई मेकअप पूरा। और उसके बाद अब मैंने ये एन वाई बे का ले लिया कंटूर स्टिक, जो कि क्रीम है और ब्लेंड तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है, बहुत ही आसानी से। ये मैं पुणे स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर मैंने ले लिया, उससे मैं अपने कंटूर को अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब मैंने ले लिया ये मेबलिन फिट मी का है ब्लश, और ये ब्लश बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, एक नेचुरल कलर देता है, ऐसा नहीं फेक, ज़्यादा डार्क भी नहीं होता है, बहुत ही सही है, तो आप मस्ट ट्राई। और उसके बाद मैंने ये ले लिया है रेवोल्यूशन का ब्लश और हाइलाइटर पैलेट, इसमें से मैं हाइलाइटर पिक शेड करके अपने चिक बोन पे लगा लूँगी और थोड़ा सा मैं चमक जाऊँगी। उसके बाद नोज़ पे भी मैंने लगा लिया, उसके बाद अपने आईब्रो के नीचे भी लगा लिया, और उसके बाद अब मुझे जहाँ जहाँ मेरे हाई पॉइंट से मैं उसको हाईलाइट कर लूँगी अपने क्यूपिड बो को और चिन को अच्छे से, देखिए आप। फिर उसके बाद अब मुझे करना है अपने मेकअप को लॉक, तो मैं ये ले लूँगी रेवोल्यूशन का मेकअप सेटिंग स्प्रे। देन उसके बाद मैंने ले लिया है ये पुणे स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर, उससे मैं अच्छे से अपने मेकअप को ब्लेंड कर दूँगी ताकि इवन लगे। और देन उसके बाद मैंने ये ले लिया है वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड लिपस्टिक, शेड नंबर मुझे याद नहीं है बट मैं प्रोवाइड कर दूँगी। और एक बार ज़रूर आप इस लिपस्टिक को ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है और इसका ड्राई नहीं करता लिप को, और एकदम लाइट वेट है, पता ही नहीं चलेगा कि आप लिप पे कुछ लगाए भी हो, मस्ट ट्राई। और उसके बाद मैंने ये ले लिया शुगर का मस्कारा, आज मैंने कोई फाल्स आईलैशेस मैंने यूज़ नहीं किया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मस्कारा है, मैंने 2-4 कोट लगा लिया, और नीचे भी आप ज़रूर से लगाएं क्योंकि बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो चलिए अब मैंने लगा लिया है बिंदी, अब आते हैं आप लोग से मिलते हैं अपने फाइनल लुक के साथ, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मेरा मेकअप लुक और मेरा पोज। और कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं लेके आने वाली हूँ 24 आवर मैगी चैलेंज, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा कि मैं लेके आऊँ मैगी चैलेंज 24 आवर ईटिंग, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि करना सही रहेगा या नहीं, और कैसा लग रहा है आपको चूड़े का या फिर इयरिंग का, साड़ी का, किसी भी चीज़ का आपको लिंक चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको ज़रूर से प्रोवाइड कर दूँगी। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, और फाइनल लुक मेरा कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, बस यही आपसे एक गुजारिश है। तो आई होप आप सब लोग मेरी जो मांग है आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे। आई नीड 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय।